Exercise 4.5, question number 2. The length of perimeter of a sector of a circle is 20 centimeter. Give an expression for area of sector in terms of R, which is the radius of the circle, and find the maximum area of sector. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल गिवन है जो कि 20 सेंटीमीटर है और हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सेक्टर जो कि इन टर्म्स ऑफ आर हो। आर हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है और हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ड्रा करेंगे एक सर्कल। जिसका हमारे पास रेडियस होगा ये आर और हमारे पास एक सेक्टर हमने उठाना है। सेक्टर हमारे पास क्या होगा? सेक्टर ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का एक पुर्जा जो कि इस शेप का हो। और इधर हमारे पास ये दोनों जो लेंथ है ये हमारे पास आर ही है जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल है। और हमारे पास ये लेंथ जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ रहा है ये हमारे पास एल होगा जिसको हम लेंथ ऑफ द आर्क या फिर आर्क लेंथ भी कह सकते हैं। तो हमारे पास कहा गया है कि इस सेक्टर ऑफ द सर्कल यानी इस पोर्शन का जो पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हम इधर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और हमारे पास पेरीमीटर से मुराद क्या है कि हम इसी शेप का जो कि हमारे पास कुछ इस शेप का है, इस शेप का यहाँ पर आर, ये भी आर, यहाँ पर ये एल होगा। तो इस शेप का जो पेरीमीटर होगा वो ये है कि हम सारे साइड्स को प्लस कर ले। तो हमारे पास इधर आर प्लस एल होगा इज़ इक्वल टू 20 और इधर आर प्लस आर होगा 2R प्लस एल इज़ इक्वल टू 20। और इधर से हम L को फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ R जो कि 20 माइनस 2R होगा अगर हम इस 2R को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले। और अभी हम एरिया ऑफ द सेक्टर को डिफ़ाइन करेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला हमारे पास ये होगा हाफ ऑफ R स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा हमारे पास क्या है? इस आर्क लेंथ की वजह से जो बीच में एंगल बन रहा है वही एंगल को हम थीटा का नाम देंगे जो कि यहाँ पर ये आर और ये एंगल हमारे पास थीटा होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है वो ये चीज़ है। तो हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था जो कि एरिया को इन टर्म्स ऑफ आर शो कर ले। यहाँ पर एरिया इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा है तो इधर से हमें थीटा को ख़त्म करना है और सिर्फ आर की शक्ल में ही लाना है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और हमें पता है कि आर्क लेंथ को या लेंथ ऑफ आर्क को हम एल से भी शो कर सकते हैं और ये एल बराबर है आर थीटा के। यानी हम अगर इस लेंथ को फाइंड आउट करना चाहे तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। और ये दोनों फार्मूले फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े होंगे। तो इधर से हमें फाइंड आउट करना है थीटा को। तो आर इस साइड पर आकर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो एल डिवाइडेड बाय आर इज़ इक्वल टू थीटा। और इधर हम एल की जगह एल की वैल्यू को पुट करेंगे। एल की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20 माइनस 2R। तो इधर आ जाएगा 20 माइनस 2R डिवाइडेड बाय आर इज़ इक्वल टू थीटा। या फिर इसको हम थीटा इज़ इक्वल टू 20 माइनस 2R डिवाइडेड बाय आर लिख सकते हैं। और अभी हम इस थीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पुट थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वेयर इंटू 20 माइनस 2R डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर आर और आर होगा कैंसिल। तो हमारे पास 1 बाई 2 बच जाएगा और आर बच जाएगा। और इन दोनों में से हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास 10 माइनस आर आ जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल। अगर हम आर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 10R माइनस आर स्क्वेयर आ जाएगा। तो इधर ये जो फार्मूला है या फिर ये जो इक्वेशन है हमें एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर दे रहा है। और आर हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो हमने एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया एरिया के लिए जो कि इन टर्म्स ऑफ आर है। अभी हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। तो हमारे पास डी बाई डी आर ऑफ एरिया इज इक्वल टू 10 वैसे ही डी बाई डी आर ऑफ आर माइनस डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वेयर। 10 डी बाई डी आर ऑफ आर हमारे पास आ जाएगा 1, जिसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 10 × 1 होगा 10 ही, और डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 2r। तो ये चीज़ हमारे पास एरिया का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। और अभी हम वो रेडियस फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। तो उसके लिए हमें इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करना होगा। तो इधर हम ये लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, हम क्या काम करेंगे कि डी ए डिवाइडेड बाई डी आर को पुट करेंगे बराबर है 0, और डी ए बाई डी आर की वैल्यू थी 10 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। अभी हम अगर 10 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो माइनस 2r इज इक्वल टू माइनस 10 होगा। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, r इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आ जाएगा 5। तो r हमारे पास 5 आ गया है। अभी हमें ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि अगर r बराबर 5 हो तो r इज इक्वल टू 5 पर हमारे पास एरिया मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू आर, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द एरिया था, इसको हम मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर आ जाए। तो हमारे पास होगा डी बाई डी आर स्क्वेयर ऑफ ए इज इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ 10 फिर माइनस 2 डी बाई डी आर ऑफ आर। तो ये डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी आर स्क्वेयर ऑफ एरिया इज इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ 10 चूँकि कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होगा 0, और माइनस 2 वैसे ही डी बाई डी आर ऑफ आर की वैल्यू है 1। तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द एरिया आ गया है -2 के बराबर, और अगर हमें इस इक्वेशन में पुट कर ले r इज़ इक्वल टू 5 तो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी आर स्क्वेयर ऑफ एरिया, जहाँ पर हमने x इज़ इक्वल टू 5 पुट किया हुआ है, x नहीं r इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर कोई r मौजूद नहीं है तो ये -2 ही आ जाएगा, जो कि ये शो कर रहा है कि ये लेस देन 0 है। और हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन हमारे पास जो कि एरिया है वो r इज़ इक्वल टू 5 पर मैक्सिमम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं दिस शोज़ दैट द फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन लिख ले या फिर इक्वेशन लिख ले, फंक्शन a इज इक्वल टू एरिया हमारे पास 10r माइनस आर स्क्वेयर था इज़ मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू 5, और ये 5 हमारे पास इन सेंटीमीटर्स ही है। तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और अभी हमें फाइंड आउट करना था मैक्सिमम एरिया, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है कि हमें सबसे पहले एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर का इन टर्म्स ऑफ आर, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट की, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ तक हमें पता चल गया है कि अगर r बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो एरिया हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो अभी हम इसको पुट करेंगे, पुट r इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास यही ही था। तो एरिया इज़ इक्वल टू 10r, r की जगह आ जाएगा 5 फिर माइनस r स्क्वेयर यानी 5 स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 10 5 50 minus 5 5s are 25, and 50 minus 25 will be 25. और ये हमारे पास मैक्सिमम एरिया ऑफ द सेक्टर होगा, जबकि पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर हमारे पास 20 सेंटीमीटर था और ये एरिया हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 4.5 में हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल गिवन था जो कि 20 सेंटीमीटर था, और हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फाइंड आउट करना था जो कि इन टर्म्स ऑफ आर हो। आर रेडियस ऑफ द सर्कल है और हमें फाइंड आउट करना था मैक्सिमम एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसके लिए हमने पहले लिखा कि पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर से मुराद ये है अगर हमने किसी भी सर्कल का एक पोर्शन उठाया है इस शक्ल में, इसको हम सेक्टर कहते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा कि हम इन दोनों आर को प्लस कर ले, यानी इनके बाउंड्री को प्लस कर ले। तो बाउंड्री में हमारे पास दो आर आते हैं और एक लेंथ ऑफ आर का आता है। तो आर प्लस एल इक्वल टू 20, यहाँ से हमने एल को फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ आर। फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिखा जो कि फर्स्ट ईयर में था, और उसके बाद हमने आर्क लेंथ एल इक्वल टू आर थीटा जो कि फर्स्ट ईयर में था, इसको हमने यूज़ किया है। और इसको इस वजह से यूज़ किया है ताकि हम थीटा की वैल्यू को निकाल सके इन टर्म्स ऑफ आर। अगर हम आर को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो ये चीज़ होगा एल की जगह 20 माइनस 2 आर आ जाएगा, और थीटा को हम उठाकर फिर से इस एरिया ऑफ सेक्टर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद एरिया इज इक्वल टू 10 आर माइनस आर स्क्वेयर आ जाएगा, जो कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मुकम्मल होगा। जो कि हमें एक एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए था जो कि हमने फाइंड आउट की। और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एरिया ऑफ सेक्टर। उसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये चीज़ आ जाएगा। और उसके बाद हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास आर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलता है कि आर इज इक्वल टू 5 पर या तो एरिया मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। उसको टेस्ट करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम एरिया को मज़ीद एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए, और उसमें हम आर इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे और इसका रिजल्ट आ गया है -2 जो कि लेस देन 0 है। तो बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन से दैट कि जो एरिया होगा वो इस आर इज इक्वल टू 5 पर मैक्सिमम होगा, चूँकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नेगेटिव में आ रहा है। और चूँकि हमारे पास एरिया आर इज इक्वल टू 5 पर मैक्सिमम है तो हम इसको एरिया में पुट करेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट होगा जो कि मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।